गायत्री मिल गई? आशित, गायत्री मिल गई मुझे। कहाँ मिली? भूल गई तुम? तुमने ही तो मुझे वहां भेजा था, प्रताप नगर। हाँ, लेकिन शीतल, इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, होता वही है जो भगवान चाहता है। मैं भी तो वही कहना चाहती थी। तुम कुछ ना ही कहो तो अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा कहोगी उतना ही साबित होगा कि तुम पागल हो। कुमार, और तुम यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें वहां गायत्री मिल गई ना? इसका मतलब है मैंने तुमसे जो कहा था वो सच था। झूठ कहा था तुमने शीतल। और एक पागल ही ऐसा झूठ कह सकता है, क्योंकि गायत्री मुझे मिली जरूर थी, मगर वो एक इत्तेफाक था, क्योंकि वो तो वहां रहती नहीं है, कभी नहीं रही है वहां पर। उसे तो कोई जानता भी नहीं था वहां पर। लेकिन अब तो तुम जान गए हो। बस शीतल, बस। मैं सब जान गया हूं। मैं ये जान गया हूं कि तुम्हें अभी यहीं रहना होगा, और यही बताने आया था तुम्हें। पता नहीं दोबारा आऊं भी या नहीं। सुमन, कुमार का फोन आया था। कुमार का फोन? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, लेकिन उसने हम सबको कल सुबह सिंघानी हाउस बुलाया। सिंघानी हाउस? लेकिन सुनीति तो वहाँ है नहीं। उसने कुछ बताया हमें क्यों आना है वहाँ? नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि एक बहुत जरूरी बात है। क्या बात हो सकती है? पता नहीं, अब ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। कल सुबह? बात क्या है कुमार? ठीक है, मैं और रवि पहुँच जाएंगे। ओके, बाय। क्या बात होगी जो कुमार चाहता है कि मैं और तुम कल सुनीति के घर पहुंच जाएं? उसे शायद अपने नए जॉब के सिलसिले में कोई बात करनी होगी। काम की बात होती तो वो हमें वहाँ थोड़ी बुलाता। वहाँ शीतल थोड़ी है। उसे ये कहना होगा कि शीतल अब ठीक होकर वापस आ रही है। फोन पर तो वो बहुत परेशान सा लग रहा था। तो फिर शायद उसे ये बताना होगा कि शीतल अब कभी ठीक ही नहीं हो सकती। पता नहीं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भगवान करे जो कुछ भी हो, बस अच्छा ही। अच्छा तो तभी होगा जब सुनीति लौट आएगी। अबे कुमार बोल रहा हूं मैं। हाँ, थोड़ी देर पहले ही लौटा। अबे तुम कल सुबह घर पे ही रहना। हाँ, कोई खास बात है? नहीं, मैं फोन पे नहीं बता सकता। जब मिलेंगे तुम खुद समझ आओगे। कुमार, तरुण को भी फोन कर दो। ठीक है। हेलो, तरुण, कुमार बोल रहा हूं मैं। बोलो कुमार। हाँ, कल सुबह तुम और काजल घर पे रहना। हम सब वहीं पे आ रहे हैं। हम? हाँ, सब तुम्हारे घर पे। See you. Bye. मामा, कल तुम भी चलना मेरे साथ। कल जब सुनीति का जनाजा उठे तो तुम भी उसे कांधा देना। शायद गायत्री अकेली वो बोझ उठा नहीं पाएगी। Are you sure, डॉक्टर कदम? Very sure, डॉक्टर नम्रता। इस लैप्रोस्कोपी रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ पता चल रहा है। गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। आई नो। आई थिंक पेशेंट को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और ना ही पेशेंट के हस्बैंड को। मुझे ये बताना पड़ेगा कुमार को जैसे ही वो आएगा। आई थिंक सो। काय रे पूरी, काय को परेशान हो रही तू? सब ठीक हो जाएगा। आओ, मी बोल तो चलेगा। गायत्री, मेरे ख्याल से सब सिंघानी हाउस पहुंच ही गए होंगे। हाँ, सब सिवा शीतल के। अगर वो वहां होती तो कितना अच्छा होता कुमार। मगर जो तुम कहने जा रही हो वो तो शीतल जानती है। शीतल ने ही मेरी पहचान सुनीति के नाम से कराई थी, लेकिन आज जब मैं अपनी पहचान गायत्री के नाम से कराने जा रही हूँ तो शीतल ही वहाँ नहीं होगी। जिस खेल की शुरुआत शीतल ने की थी उसका अंत देखने के लिए वो वहाँ नहीं होगी, या फिर एक नई शुरुआत। काय को तुम इतना सोचती रे पूरी? तू एक नेक काम करने जा रही है और सब लोग नेक लोग हैं, तेरी सच्चाई को स्वीकार करेंगे वो लोग। हाँ पूरी, नहीं बोल तो। आज कितने दिनों बाद मैं उन सबसे मिलने जा रही हूँ, लेकिन वो लोग आज पहली बार गायत्री से मिल रहे हैं। और उन सब से पहचान कराएगा तुम्हारा पति अब है। मेरी फिक्र मत करो प्लीज, बच्चा थोड़ी ना हो, हल्का सा बुखार है, बस ठीक हो जाऊंगा। अच्छा तरुण, जब कुमार आ जाए ना मुझे जरूर बुलाना, ना जाने मुझसे क्या कहना चाहता है वो। उसने मुझे भी फोन किया था लेकिन बताया नहीं कि बात क्या है। इसका मतलब उसने किसी को नहीं बताया। मैंने मीरा और सुमन दीदी से भी बात की, वो भी नहीं जानते कि कुमार ने क्यों फोन किया था। यानी कि यहाँ सब आने वाले? हाँ, कुमार ने सबको यहाँ बुलाया है और वो कह रहा था कि ये बात कोई नहीं जानता है, लेकिन ये बात सबका एक साथ जानना जरूरी है। अच्छा, फिर तो एक ही बात हो सकती है, पर ये बात कुमार कैसे जान गया? कौन सी बात? अब नहीं, वो तो कुमार ही आके बताएगा। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। डरो मत, नहीं खोगी तुम्हें। तरुण, काजल, रवि, मीरा, सुमन दीदी, जीजू, मैं किसी को खोना नहीं चाहती। अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो? काय बोलती तू पूरी? वो तेरे को कभी नहीं ठुकराएंगे। मेरे को मालूम ये तो कितनी हिम्मत वाली है। मेरे को मालूम तू वहाँ जाके सबको अपना बना ही लेगी। हाँ पूरी, अपन सच बोलता। अच्छा देख, अपन कौन तेरा सगा मामा, पर तूने मेरे को अपना बनाइच लिया ना। अब पूरी, अभी अपन तेरे साथ नहीं जाएंगे। क्यों मामा? ये अपन वहाँ जाके अपना मुंह लोगों को कैसा दिखाएंगा? और जमाई साहब तो मेरे को कभी माफ करेंगा ही नहीं। पर तू अभी जा, अपन आएगा तेरे से मिलने। तू अभी जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। तू जा, जा। ख्याल रखना। ये देवा सब ठीक रखने का है। अपन का पूरी बहुत अच्छा है। तरुण, कुमार नहीं अभी तक? उसी का इंतजार है। और अब है? उसे बुखार है, वो दवा लेकर सो रहा है। उसने कहा जब कुमार आ जाए तो उसे जगा दे। कितना अजीब लग रहा है ना, हम सब यहाँ हैं लेकिन सुनीति ही नहीं है। एग्जैक्टली। जिस कड़ी ने हम सबको जोड़ रखा है आज वही हमारे बीच नहीं है। और वो अलग क्यों हुई है ये कोई नहीं जानता, या फिर जानकर बताना नहीं चाहता। तुम ठीक कह रही हो तारा, शायद भैया बताना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सुनीति अगर चाहे तो खुद ही बता दे। पता नहीं, अगर माँ से बताना चाहती तो फिर जाती ही क्यों? तारा तुम्हारी बात शायद ठीक हो, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, सुनीति को लोगों ने हमेशा गलत समझा है। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो जिसकी वजह से सुनीति चली गई। तब तो जिसे भी जो भी गलतफहमी है उसे जल्द से जल्द दूर कर देनी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। नहीं काजल, इस बार इतनी देर नहीं हुई है। ना अभय ने किसी से शादी की है और ना ही सुनीति ने। हम तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग कुमार का नहीं सुनीति का इंतजार कर रहे हैं। सुनीति का इंतजार तो हमेशा रहेगा रवि, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती हम सबको उसका इंतजार रहेगा। पर इस तरह किसी के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं गवाई जा सकती ना। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। तारा, प्यार तो मुझे अब भी है अपने आप से। इसका मतलब क्या मैं सेल्फिश हूँ? नहीं, अगर मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी तो कोई दूसरा क्यों सोचेगा? मैं ही अपनी खुशियों का गला घोट दूंगी तो इसमें कोई और क्या कर सकता है? अपनी खुशियों का गला घोट कर दूसरों की खुशियों के लिए जीना, इसी को प्यार कहते हैं। तभी तो मुझे किसी से प्यार करना ही नहीं है। वो कौन है? मैं नहीं जानता। तरुण कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा है। भाई साहब कौन है आप? मेरा नाम महेश राव है। मेरे को गायत्री से मिलने का है। गायत्री से? लेकिन यहाँ तो कोई गायत्री नहीं है, हम किसी गायत्री को नहीं जानते हैं। आइला, मैं तो भूल ही गया। तुम लोग मेरी गायत्री को सुनीति के नाम से जानते हैं। अब तक तो महेश वहां पहुंच गया होगा, सबको बता दी होगी उसने सुनीति की, आई मीन गायत्री की हकीकत। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बात महेश से फोन पर हो गई। अब तक सब जान गए होंगे कि वो सुनीति नहीं गायत्री है। वो गायत्री जिसे महेश पाना चाहता और जिसे वो अपने साथ जरूर ले जाएगा। मुझे हराने चली थी मैडम, इतना आसान नहीं है गायत्री। मायला, वो इतने दिनों से तुम लोगों को झूठ बोले जा रही है, तुम लोग उसकी बात को विश्वास कर रहे हो। अपन तुम लोगों को सच बता रहा है, फिर भी तुम लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हो। काय को? अरे हम लोग ये कैसे मान ले कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? ऐसा क्या? तो मेरे को क्या? तू माने ना माने, मैं तो अभी उसको खाली इधर से ले जाने के वास्ते आया है। उसके मामा को 10,000 रुपया दिया है, मैं बात खलास। ए, तमीज से बात करो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी सुनीति ऐसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तेरा भी उसके साथ कोई टांका भिड़ल है क्या? ए, चुप रहो तुम। बापू, ये लड़की तो बहुत पोंछली लग रही है रे। किसी को भी नहीं छोड़ेगी है, पंडमो इंस्पेक्टर को भी नहीं। इंस्पेक्टर तुम्हारा मतलब है कुमार? हाँ, इतने दिनों उसी के साथ तो रह रही थी वो। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे कह सकते हो? मेरे को कैसा मालूम? मेरे को सब मालूम है। वही बोला ना तुम लोग को इधर जमा होने के लिए। वो उसको लेके आ रहा है सुनीति के नाम से, ताकि रातों रात वो सारे पैसे लेके इधर से भाग जावे। वो लड़की तुम लोगों को बना रही है, मेरी बात का विश्वास नहीं है ना? वो तो अच्छा हुआ कि अपन पूछते पाछते इधर पहुंच गया। मेरी बात का विश्वास नहीं है ना तुम लोगों को? अभी आता होगा, पूछना उससे, अभी आएगा वो। ऐसे क्या देख रहा है मेरे को तुम लोग? ये लो आ गया। कुमार, एक मिनट सुमन दीदी। कुमार, क्या सुनीति तुम्हारे साथ है? हाँ, मगर देखा, मैं बोला ना, बोला था ना मैं। तुम कौन? गायत्री किधर है? बाहर है वो। ये आदमी सच कह रहा है? मगर ये आदमी है कौन? मैं कौन है? मैं कौन है ये तुमको गायत्री बताएगी। मैं लेके आता है, अभी लाता हूं मैं उसको। क्या हो रहा है ये सर? कुमार, हमें पता चल गया है कि वो औरत जिसे हम सुनीति समझ रहे थे वो सुनीति नहीं है। इतने दिनों से वो हमें धोखा दे रही है। छोड़ दो मुझे। इंतजार कर रही तरह तो मुझे। पूछो इसे कौन है ये बताएगी तुम लोग को। पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? वही बताने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मेरी बात तो सुनो तरुण। ये सब बात ना बाद में बताना। अभी बोल तेरा नाम गायत्री है कि नहीं? गायत्री है कि नहीं तेरा नाम? गायत्री है ना? हाँ मेरा नाम गायत्री है। मुझे आशीर्वाद दो तरुण कि जो खुशियाँ सुनीति ने अभय को नहीं दी वो सारी खुशियाँ उसे उसकी पत्नी से मिले, मुझसे मिले। हम दोस्त हैं, याद है ना तुम्हें? सुनीति तो कभी नहीं लगाती थी। तुम आ गई मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। याद है ना आप मुझे कैसे मनाया करते थे पहले? हाँ हाँ याद है ना मुझे। लगता है आप भूल गई। मुझे और तेरे जीजू को पूरा यकीन है तू ही हमारे। गायत्री हूँ मैं, गायत्री। खबरदार मत कहो मुझे दीदी। दीदी एक बार मेरी बात सुनिए। कुमार कहो ना इनसे, कहो कुछ तो कहो। तुम बताओ कि कहाँ है हमारी सुनीति? कहाँ है हमारी सुनीति? सुनीति कहाँ है? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती सुनीति कहाँ है। तुम जानती, तुम सब जानती हो। तुमने सुनीति को छुपा के रखा ताकि तुम सुनीति की जगह ले सको। हाँ मैंने सुनीति की जगह ले ली, लेकिन शीतल की वजह से। शीतल दी की वजह से? हाँ, सुनीति का हमशक्ल होने का फायदा उठाकर शीतल ने मुझे गायत्री से सुनीति बना दिया, क्योंकि शीतल चाहती थी कि मैं सब कुछ उसके नाम कर दूं। लेकिन तुमने तो शीतल को ही पागल कर दिया ताकि सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए हमेशा के लिए। नहीं मीरा ऐसी बात नहीं है। शीतल के कहने पर अभय से प्यार का नाटक करते करते मैं अभय से प्यार कर बैठी। लेकिन अभय, उसने मुझसे प्यार कभी नहीं किया। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो सुनीति का बदला शीतल से लेना चाहता था। अभय ने सिर्फ सुनीति से प्यार किया है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं यहाँ से चली गई। आज मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम सबसे कहने आई हूँ कि मैं सुनीति नहीं हूँ, मैं गायत्री हूँ। गायत्री भूल जाओ मुझे, मैं सुनीति नहीं हूँ। अभय वह जानता है सब कुछ, पूछे उससे कि असलियत क्या। कहाँ है अब? अच्छा नाटक किया तू, वरना तेरा नौटंकी इधर नहीं चलेगा। कोई नहीं मानेगा तेरी बात, कोई नहीं मानेगा। चल तू मेरे साथ चल। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे आप लोग इसकी बात मानते क्यों? सच बोल रही, ये सुनीति नहीं है गायत्री है। हम भी यही मानते हैं कि ये सुनीति नहीं गायत्री है, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। तरुण चल चल ये बहुत चल मेरे साथ। अबे अबे मुझे हट।